हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रवि कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ भाभी? अरे भाभी के देवर, अपनी धर्म पत्नी को संभालो जरा। अब बताइए तो सही, आखिर हुआ क्या है? क्या बताऊँ रवि, तेरी बीवी ने तो आज कमाल ही कर दिया। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने? अंजलि और रवि बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नित्या आ जाती है और वो रवि से बोलती है, मैं बताती हूँ रवि जी। अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो। मैं और ये शॉपिंग पर गए थे, जो साड़ी मुझे पसंद आई मैंने उसकी पेमेंट करी और ले ली। बताओ इसमें क्या गलती की मैंने? कुछ भी नहीं। अरे वही तो मैं इन्हें समझा रही हूँ कब से, लेकिन ये है कि समझती ही नहीं। क्या भाभी, आप भी ना, अगर नित्या ने कोई साड़ी खरीद भी ली तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे रवि तुम ना सच में बड़े भोले हो, ये जो बोलती है तुम मान जाते हो। तो भाभी आप ही बता दीजिए ना। ठीक है तो सुनो, मैं और मेरी बहू गए थे बाहर शॉपिंग करने के लिए, हमने वहाँ एक साड़ी ली, उतने में तुम्हारी बीवी आ गई और दुकानदार को डबल पैसे देकर वो साड़ी खरीद ली। हमने कुछ बोला तो तमिल में हमें सुनाने लगी। क्यों नित्या, भाभी सच कह रही है? अल्ले अवल पोई साइक्रल। इसका क्या मतलब है? मतलब के भाभी झूठ बोल रही है। हो देखो तो जरा, झूठ कैसे बोल रही है? झूठ तो ये ऐसे बोल रही है जैसे हमने इसकी साड़ी खरीद ली। अच्छा चलो, अब जाने भी दो भाभी, अब दूसरी खरीद लेना, चाहे मुझसे ले लेना पैसे। वो तो ठीक है रवि, पर कुछ समझाओ इसको। मुझे क्या समझाना, मैं तो पहले ही बहुत समझदार हूँ। अरे तुम जैसों को और समझदार बना दो, इतनी समझदार हूँ मैं। नित्या प्लीज। ठीक है भाभी, मैं समझा दूंगा। अंजलि वहाँ से चली जाती है और फिर रवि नित्या को समझाते हुए बोलता है, देखो नित्या, तुम्हें ये सब हरकतें बंद करनी होगी, ये दिल्ली है चेन्नई नहीं, तुम्हें यहाँ सबसे अदब से बात करनी पड़ेगी, यहाँ तुम्हारी चलने वाली नहीं है। रवि जी प्लीज समझिए, मैं ऐसे नहीं रह सकती। तो क्या चाहती हो, हम यहाँ से कहीं और चले जाएं? अगर ऐसी नहीं हो सकता तो एक काम करते हैं, हम मेरे घर वापस चेन्नई चलते हैं, वहाँ मेरा और मेरे पिताजी का कितना रुतबा है और आपको कोई नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है, बस सारी उम्र बैठकर आराम से खाना राजा की तरह। बस बहुत हो गया, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि तुम्हें मेरे इस छोटे से घर में रहने में दिक्कत है? तुम पहले ही बता देती कि मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी के साथ रहने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम अगर मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम खुशी खुशी जा सकती हो। आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा सुनिए, खाना तो खाते जाइए। अब भूख नहीं रही। इस सब के बाद गुस्से में रवि बिना कुछ खाए पिए अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। नित्या उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनता और चला जाता है। उसके जाने के बाद नित्या बैठकर रोने लगती है। रोते रोते वो सोचती है, 3 साल पहले रवि अपने ऑफिस के किसी काम से दिल्ली से चेन्नई जाता है और वो अपने आसपास जिससे भी बात करने की कोशिश करता कोई उसके बात को समझ नहीं पाता और न ही खुद रवि उनकी बातों को। वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और थककर वो वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहीं पर ही सो भी जाता है। उसकी जैसे ही आंख लगती है तो एक लड़की उसके पास आकर उसके ऊपर साइकिल चढ़ा देती है। रवि जल्दी से उठ खड़ा होता है जिसके बाद वो उससे बोलता है, अंधी हो क्या, इतना बड़ा इंसान नहीं दिखाई दिया? अरे आराम से बोलिए ना, वैसे भी ये कोई सोने की जगह नहीं है जो आप राजा महाराजा की तरह आराम फरमा रहे हैं। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे कहाँ सोना है और कहाँ नहीं? इल्ले इल्ले नानिन पुरंतो कोला अमर पिंते। अरे यार हिंदी में ही बोल लो ना, एक तो तुम पहली लड़की हो जिसे हिंदी आती है। क्यों, आपको अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे हिंदी ना आती हो? नहीं मिला ना यार, तभी तो मैं परेशान होकर यहीं लेट गया था और जैसे ही मेरी आंखों में नींद भरने लगी आपने अपनी हायाबूसा लेकर मेरे ऊपर धावा बोल दिया। सॉरी सॉरी। अच्छा बताइए आपको कहाँ जाना है? मेरा नाम रवि है, मैं दिल्ली से आया हूँ अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में। मैं यहाँ रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहा हूँ पर मुझे मिल ही नहीं रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। आपके घर में? जी मेरे घर पे। वो क्या है ना कि पूरे चेन्नई में मेरी खूब ठाट बाट है, बहुत सारे घर है मेरे, आप किसी भी एक घर में रह सकते हैं। ओह ये बात है, अगर ऐसा है तो मैं जरूर चलूंगा। वैसे मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? मेरा नाम बताने में तो शाम हो जाएगी,
आप मुझे नित्या कहकर बुला सकते हैं। ठीक है, चलें। फिर नित्या रवि को अपने घर लेकर जाने लगती है तो उसकी साइकिल के सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी कटप्पा उतरता है। फिर वो नित्या के पास जाकर उससे बोलता है, नानो ने इत्तु किरे इत्तु वा मिलने इंता मनेता अर इत्तन मुलन निलकन इन्ना कोरी कलन। कौन है ये भाई साहब? अरे कोई नहीं है, बस ऐसे ही है। और ये इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? इसकी शक्ल ही ऐसी है। इत्तु है ना कॉल के रातू इल्ले इल्ले उन कलाया पारी पिक्कवलई। अगर आपकी बातें हो गई हो तो हम चलें। वो क्या है ना कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और भूख भी लग रही है। सारी सारी हम चलते हैं, चलो। इसके बाद नित्या रवि को अपनी साइकिल पर बिठाती है, फिर कटप्पा की नजरों के सामने से वहाँ से उसे ले जाती है। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर पहुँचती है। नित्या के घर वाले रवि को देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं। नित्या की माँ उनसे पूछती है, मक्का न्यार इत्तो अम्मा इत्तो रवि है ना अवर काल और विट्टई विरुपिनर अत्तो परवल नहीं। इसके बाद नित्या अपने घर वालों से बात करके रवि को वहीं रहने के लिए मना लेती है। अब रवि उन्हीं के साथ उनके घर में रहने लगता है और रवि अपने ऑफिस का काम बहुत ही अच्छे से कर रहा होता है। नित्या भी उसमें उसकी काफी मदद करती है। रवि भी नित्या के साथ काम करके काफी अच्छा फील करता है। और एक दिन रवि उससे पूछता है, सुनो। जी कहिए। मुझे एक लड़की अच्छी लगने लगी है, क्या तुम मेरी उससे बात करवाने में मदद कर सकती हो? कौन लड़की है? एक बहुत ही प्यारी सी, थोड़ी पागल सी भी है पर दिल की बहुत अच्छी है। हमेशा लड़ती रहती है पर जब प्यार करती है तो सबसे अलग ही करती है। नाम क्या है उसका? नाम जानकर क्या करोगी, वैसे मेरी हर सांस में उन्हीं का नाम है। रहती कहाँ है? इश्क की गली से निकल वो जो मोहब्बत का मोहल्ला आता है ना, वही रहती है बस। अगर वहाँ ना मिले तो मेरे दिल में झाँक कर देख लेना, नजर आ जाएगी आपको। अच्छा जी, इतनी खास कैसे हो गई? यूँ तो वो खास ही खास है पर जब मेरे साथ होती है तब कुछ और ही होती है। बस बस मुझे नहीं सुनना और उसके बारे में। अच्छा तुम देखना चाहोगी उसे? जी मुझे नहीं देखना कुछ भी, मैं जा रही हूँ। इसके बाद नित्या वहाँ से जाने लगती है तो रवि उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने करीब खींचकर उससे बोलता है, सुनो मेरी बात। अब सुनने को रही क्या गया है जो मैं सुनूं? मेरी आँखों में क्या नजर आ रहा है तुम्हें? मेरा चेहरा? तुम्हें पता है हमारी आँखें हमारे दिल का आईना होती हैं। हमें आँखों में वही नजर आता है जो हमारे दिल में होता है। तो ये कि मेरे दिल में कोई और लड़की नहीं है, सिर्फ तुम हो। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच। नित्या अपने कमरे में बैठकर अपनी सारी पुरानी बातों को याद करके रो रही होती है। उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि दिल्ली में उसकी हैसियत और रुतबा चेन्नई से बिल्कुल अलग है। उसे यहाँ सबके तौर तरीके से रहना होगा, सबकी बातों को समझना होगा। नित्या रवि से भी अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है और रवि भी बड़े प्यार से उसे माफ़ कर देता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी एक बार फिर से नई शुरुआत करते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।